हाँ जी बच्चों, अब हमारे डेरिवेटिव में ऑप्शन का लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा थ्योरी है जो मुझे आपको समझाना। हालांकि जब मैंने बीएसएम करवाया हूँ तो बीएसएम पे वो सारी चीजें डिस्कस किया हूँ, पर शॉर्ट नोट आता है और वो थ्योरी है ऑप्शन ग्रिक्स। सर, ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है बेटे? ऑप्शन ग्रिक्स में होता क्या है, हम लोग ऑप्शन की जो वैल्यू है ना, वो कुछ फैक्टर्स के बढ़ने या कम होने से ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती, वो चीज निकालना कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे ऑप्शन की वैल्यू या ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। इट मींस मैं सेंसिटिविटी निकालना चाहता हूँ। फायदा क्या होता है, उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमें ऑप्शन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। और इस फैक्टर का अगर हमने अनुमान लगा लिया कि यार रेट में चेंज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा, यही अनुमान लगा लूंगा कि यार वॉलिटिलिटी में कुछ होने वाला, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला है, तो ऑप्शन का जो वैल्यू है, प्रीमियम है, प्रीमियम वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये कुछ समझाने वाला हूं मैं, ठीक है? तो अच्छा है कि हम लिख कर सारा काम करें। तो पॉइंट नंबर वन, या स्टार्ट करें हम ऑप्शन ग्रिक्स। सर, ये ग्रिक्स क्या है बेटे? ये तो मैं अभी आपको धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ स्टार्ट करोगे, प्राइस ऑफ ऑप्शन मतलब प्रीमियम डिपेंड्स अपन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो फैक्टर है फर्स्ट स्टॉक प्राइस, सेकंड एक्सरसाइज प्राइस, थर्ड टाइम, फोर्थ वॉलेटिलिटी, एंड फाइव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि हम जब बीएसएम कर रहे थे तो हमने इनके कुछ नाम लिखे थे। सर, स्टॉक प्राइस को हम क्या लिखते थे? S0। एक्सरसाइज प्राइस को E। टाइम को लिखते थे T। वॉलेटिलिटी को लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या लिखते थे? R। तो ऑप्शन की जो प्राइस है, ये पांच फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सोच के देखो बेटे, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो कॉल ऑप्शन खरीदा है तो मैं क्या चाहूंगा? तो मैं क्या चाहूंगा कि यार शेयर का प्राइस बढ़े, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मेरा ऑप्शन का जो वैल्यू, ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब शेयर की प्राइस पर भी ऑप्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, एक्सरसाइज प्राइस पे भी ऑप्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। मैंने आपको बहुत पहले, इतना जाने कब से डिस्कस कर रहा हूं कि एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से प्रीमियम तय होता है कि आपको प्रीमियम कितना देना है, ठीक है? कॉल ऑप्शन वाला क्या चाहेगा कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होना चाहिए, कम से कम कि ज्यादा, किससे ज्यादा, उसके हिसाब से उसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। टाइम, अब सोचो मैंने ऑप्शन खरीदा 3 महीने का, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो बेटे ऑप्शन की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। और आप खुद सोचो, आपको ऑप्शन खरीदना 1 माह का या 2 महीने का, तो उसके हिसाब से प्रीमियम तय होता है। खैर, ये मैं समझाऊंगा। इसके बाद वॉलेटिलिटी, तो मैंने आपसे बोला था फ्लक्चुएशन, क्या चाहते हो? फ्लक्चुएशन, सर फ्लक्चुएशन क्या होगा? फ्लक्चुएशन समझ रहा, फ्लक्चुएशन में होता क्या है कि जो ऑप्शन बायर होता है वो चाहता है यार कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना चाहिए। मैंने पहले ही पहली क्लास में समझाया था कि ऑप्शन होल्डर फ्लक्चुएशन पसंद करता, वॉलेटिलिटी पसंद करता है। वो क्या चाहेगा, अगर मार्केट डाउन जाता है या अपोजिट हो जाता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके अपोजिट भी होगा, तो मेरे जेब से क्या जाएगा? प्रीमियम। लेकिन अगर बढ़ा, मेरा मान लो मैं कॉल ऑप्शन होल्डर हूँ, बढ़ा तो मैं तो अनलिमिटेड कमाऊंगा ना यार, बहुत ज्यादा। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगा तो ऑप्शन की वैल्यू भी उस हिसाब से चेंज होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपके ऑप्शन की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब,
इसका मतलब है कि जितना भी आपने पढ़ा बाइनोमियल बीएसएम पुट कॉल पायरिटी बहुत सारी उसमें कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, वो मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो इन फाइव फैक्टर्स पे ऑप्शन की वैल्यू डिपेंड करती, इनके चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू चेंज होती है। पर सर एक बात है, एक्सरसाइज प्राइस तो आज जो तय हो गया वो तो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ तो बेटे देखो, एक्सरसाइज प्राइस पे डिपेंड करता है कि आज कितना प्रीमियम देंगे, और एक बार एक्सरसाइज प्राइस तय हो गया तो फिर बाद में एक्सरसाइज प्राइस चेंज हो नहीं सकता, तो उसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट मींस इनमें से ड्यूरिंग द पीरियड जैसे आपने ऑप्शन खरीदा उसके बाद कौन कौन सी चीजों में चेंज आ सकता है, स्टॉक की प्राइस में चेंज आ सकता है, टाइम धीरे 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 बीतते जाएगा तो ऑप्शन की वैल्यू में चेंज आएगा, ये मैं समझाऊंगा, वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन की वैल्यू में चेंज आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो सकता है उसकी वजह से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज आ सकता है, एक चीज कॉन्स्टेंट हो जाएगा और वो हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस पे सर प्रीमियम डिपेंड करता है आज, लेकिन फ्यूचर में नहीं, क्योंकि फ्यूचर में एक्सरसाइज प्राइस तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो बस वही मैंने जो अभी इतनी स्पीड से बोला है उसको मैं धीरे 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 आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मैं अब यहां लिख देता हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें लिख देता हूँ। लिखोगे अमंग दिस फैक्टर्स, अमंग दिस फैक्टर्स एक्सरसाइज प्राइस इज कॉन्स्टेंट, एक्सरसाइज प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, रिमेनिंग फैक्टर यहां से लिख देता हूं, में चेंज। सर में चेंज क्यों लिखे, ये तो पक्का चेंज होगा। हाँ बेटे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं चेंज होगा नहीं होगा, सेम रहेगा, तो रिमेनिंग फैक्टर चेंज हो सकते हैं। लिखोगे ऑप्शन प्राइस या थियोरिटिकल प्राइस, ऑप्शन प्राइस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन दिस फैक्टर्स, इन फैक्टर में चेंज होने से ऑप्शन की प्राइस में चेंज होगा। वी विश टू कैरी आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस, हम लोगों को सेंसिटिविटी एनालिसिस करना, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैपिटल बूस्टिंग में पढ़ रखा होगा फिर भी नहीं पढ़ा, तो एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पर कितना फर्क पड़ेगा, दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, वी विश टू कैरी आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस दैट इज रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू इधर लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ईच फैक्टर, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट,
सर मतलब समझाओगे जो लिखवाया? बेटे क्या है, एक साथ हम सारे फैक्टर चेंज करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। हम ना एक समय में एक फैक्टर चेंज करेंगे। हम ये मानेंगे कि सिर्फ स्टॉक की प्राइस में चेंज हो रहा, बाकी सब कांस्टेंट है, और कितना ऑप्शन की वैल्यू में चेंज होता है। एक समय पे कहेंगे चलो टाइम के बीतने से हमारे ऑप्शन की प्राइस पे कितना चेंज होगा, मतलब एक समय पे एक फैक्टर चेंज करेंगे, बाकी सारे फैक्टर को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे सारा। ठीक है सर, आगे। दिस रेट ऑफ चेंज हैव बीन असाइन इन ग्रीक लेटर्स। बेटे इन चीजों को, इसमें जो रेट निकाल रहे ना कितना चेंज होता है, ये ग्रीक लेटर्स में है, इसलिए ग्रीक लेटर्स का मतलब सर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, दिस इज ग्रीक लेटर्स, इसलिए हम इसको ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं। बस वो रेट निकालना, और रेट का नाम हम नाम रख देंगे कि स्टॉक के प्राइस में चेंज होने से ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होगा, उसको हम डेल्टा बोलेंगे, फिर कुछ गामा बोलेंगे, तो वो ग्रीक लेटर्स में हो गया, इसलिए इसको मैं ऑप्शन ग्रीक से बोलूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया कि कितने फैक्टर होते हैं, पांच। इसमें इसका कोई खेल नहीं है, मैं इस मैटर पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार ऑप्शन खरीदने पर एक्सरसाइज प्राइस में चेंज नहीं होगा, तो वो तो फिक्स कांस्टेंट हो गया। बाकी चीजों में चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं धीरे धीरे बात करूं, स्टॉक प्राइस के चेंज होने, शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस पे फर्क पड़ेगा, तो उस रेट का नाम होता है डेल्टा। डेल्टा मैं समझाऊंगा सर। टाइम के बीतने से ऑप्शन के प्राइस पे चेंज होगा, तो टी फॉर टाइम, टी फॉर थीटा, ऐसा रटवाया जाता है, पर थीटा थीटा हो गया। ठीक है सर, इसका नाम वॉलिटिलिटी। डेविएशन बहुत ज्यादा होने से या बहुत कम होने से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज होगा, इसको बोलते हैं वेगा। वेगा मतलब वॉलिटिलिटी। रेट के चेंज होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में जो चेंज होगा रेट, इसको बोलते हैं रो। ये सब सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। स्टार्ट करेंगे डेल्टा से। डेल्टा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डेल्टा बाकी गा मतलब डेल्टा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां कहां पढ़ा याद करो, बाइनोमियल में पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा? बाइनोमियल में याद करो, हैज रेशियो करवाया था मैंने, हाँ सर याद है। बीएसएम में पढ़ा था, बीएसएम में मैंने आपको एन डी वन करवाया था, हाँ, और मैंने बोला भी था कि ये क्या चीज है डेल्टा, और मैंने आपसे बोला था कि मैं ऑप्शन ग्रीक्स करते हुए समझाऊंगा। ठीक है सर, तो डेल्टा करना है, डेल्टा का हमें यूज भी है, और डेल्टा के अलावा गामा, वेगा, इनमें बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम डेल्टा से स्टार्ट करेंगे। पहली बात कर रहे हैं हम डेल्टा, काफी बार पढ़ा हुआ है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर लिख लेंगे। शॉर्ट नोट आता है उसके लिए मैं ये तैयारी करवा रहा हूं। बेटे मान के चलो कॉल ऑप्शन, सर आज एक्सरसाइज प्राइस कितना है? मान लो एक्सरसाइज प्राइस है 110, और शेयर का प्राइस कितना है? शेयर का प्राइस है मान लो 100 रुपए। सर तो आज जो है वो तो कॉल ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हाँ आउट ऑफ द मनी दिख रहा, तो भी मुझसे प्रीमियम मांगा गया और मुझसे 5 रुपए मांगा गया, आउट ऑफ द मनी, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। आज ही एक्सरसाइज करे तो यहां तो लॉस दिख रहा, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए ना, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी, पर फिर भी मैंने 5 रुपए प्रीमियम दे दिया, ये सोचकर कि अभी टाइम बाकी है, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शेयर का प्राइस बढ़े, और अगले दिन शेयर का प्राइस 105 हो गए। जैसे ही 105 हो गए, अब सुनना ध्यान से, मैंने 5 रुपए में ऑप्शन खरीदा है, अब मैं चाहूंगा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे ऑप्शन की वैल्यू तो बढ़ेगी, ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, कोई मुझसे खरीदने, मैं चाहूंगा कोई मुझसे खरीदने आ जाए यार, पर अभी भी तो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी नहीं, मान के चलो कि 5 रुपए ही है, 5 रुपए थोड़ी भी नहीं बढ़ी।
ठीक है, क्योंकि कोई फायदा वायदा दिख नहीं रहा था किसी को। ओहो, तो 5 रुपए ये चेंज हुआ, पर ऑप्शन की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब अभी तक मैं आपसे बोलूंगा कि शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब डेल्टा 0 है। ठीक है, और बड़ा शेयर का प्राइस 110 हो गया, मैं बहुत खुश। शेयर का प्राइस कॉल ऑप्शन है यार, प्राइस बढ़ना चाहिए। और जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा तो मेरा ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ा और 7 रुपए हो गया। मैंने कहा हाँ, अब मुझे फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि ये बढ़ा, ये कितने से बढ़ा, ये 5 रुपए से बढ़ा शेयर का प्राइस, तो ये 2 रुपए से बढ़ा। इट मीन्स अगर मैं डेल्टा निकालूं तो ये 2 रुपए से बढ़ा ऑप्शन का वैल्यू, और ये कितने से बढ़ गया, 5, तो 2/5। तो डेल्टा ऑफ कॉल कितना दिख रहा है, 2/5.4, दिस इज डेल्टा। तो स्टॉक के प्राइस के बढ़ने से कॉल ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा सर, तो पुट ऑप्शन का तो गिर जाएगा, क्योंकि पुट ऑप्शन वाला तो ये सोचेगा ना कि प्राइस गिरना चाहिए। बिल्कुल, अगर पुट ऑप्शन की वैल्यू की बात करो, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू तो गिरेगा ना बेटे, पक्का। जी हाँ सर। अच्छा सर, तो डेल्टा ऑफ कॉल 0.4, क्या इसको बत समझा सकते हो? हाँ सर, हम समझा सकते हैं कि शेयर का प्राइस अगर 1 रुपया से बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू 40 पैसे से बढ़ेगा। बिल्कुल सही, दिस इज डेल्टा। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन बेटे फिर ये 115 हुआ, फिर ये 5 से बढ़ा, तो फिर ये 9 रुपए हो गया। इट मीन्स फिर देखो बेटे डेल्टा, सर समझ में आ गया, ये 5 और ये 2, तो कितना आ गया, 0.4। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा, मेरा डेल्टा ऑफ कॉल ये निकला, मतलब 2-2 रुपए से वैल्यू ऑफ ऑप्शन बढ़ रहा, दिस इज डेल्टा ऑफ कॉल। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही शेयर का प्राइस 120 रुपए हुआ, अब मेरा ऑप्शन का वैल्यू 12 रुपए हो गया। अब बताओ बेटे, सर इसका मतलब अब डेल्टा कितना आया, ये 5 से बढ़ा, तो अब की बार ये तो 3 रुपए से बढ़ गया। तो अब 3/5 करूंगा तो डेल्टा कितना आ गया, 0.6। तो सर क्या डेल्टा में भी चेंज होते जाएगा? हाँ, और डेल्टा में जितना चेंज हो रहा है, मतलब शेयर का प्राइस 5 रुपए से बढ़ा तो डेल्टा में भी चेंज हो गया, और डेल्टा में कितने का चेंज हो गया, 0.2 का। इसको बोला जाता है गामा। अच्छा सर, ये बात है। हाँ बेटे, अब थोड़ा सा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। स्टॉक के प्राइस में जो चेंज होगा उसकी वजह से ऑप्शन के प्राइस में जो चेंज होगा, दिस इज डेल्टा। स्टॉक के प्राइस में चेंज होने से डेल्टा में जो चेंज होगा वो क्या होगा, गामा। क्योंकि डेल्टा ना एक ही रेट से मूव नहीं करता, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, वो ऐसा जाता है। ये गामा करवाऊंगा ना, तब मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है सर। सर एक बात बताऊं, एक बात और पूछ लेते हैं, अगर स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ा, 125 हो गया 5 से, तो ये क्या 10 से बढ़ सकता? नहीं बेटे, ये मैक्सिमम 5 से बढ़ेगा, मतलब मैक्सिमम पार, क्योंकि भाई 5 रुपए का इधर फायदा, तो इधर भी तो 5 से ज्यादा का फायदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मैक्सिमम क्या हो सकता, 5/5, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेल्टा कितना हो सकता है, 1, और कम से कम डेल्टा कितना हो सकता है, 0। पुट ऑप्शन की बात मैं बाद में करूंगा, अब मुझे डेल्टा के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें लिखानी है। तो पहला लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बात को समझेंगे। तो अब मैं लिखा रहा हूं पॉइंट नंबर वन। डेल्टा मीन्स डेल्टा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्राइस के रेट में जो चेंज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू
स्टॉक प्राइस। डेल्टा मीन्स रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक प्राइस। आगे और आगे क्या लिखते हैं? सेंस। कॉल इज, कॉल कैसा है? बुलिश एंड पुट इज बेरिश। हेंस कॉल हैज पॉजिटिव डेल्टा एंड पुट हैज नेगेटिव डेल्टा। सर फिर भी समझाओ के? हाँ बेटे, अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, सुनते जाना, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कॉल ऑप्शन में हम क्या चाहेंगे? कि वाकई शेयर का प्राइस बढ़े। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हमारे कॉल ऑप्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। लेकिन पुट ऑप्शन में हम क्या चाहेंगे? शेयर का प्राइस गिरे, तो शेयर का प्राइस बढ़ने से पुट ऑप्शन का वैल्यू तो कम हो जाएगा, क्योंकि यार अपोजिट हो गया, ठीक है, नेगेटिव। अच्छा सर, अगर शेयर का प्राइस गिरता है तब, हाँ जब गिरता है तब, मैं कहता हूँ हाँ अब पुट फायदे में है, तब पुट फायदे में जाएगा, कॉल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं, कॉल जो है शेयर का प्राइस बढ़ने से कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होगा पर पुट का नेगेटिव होगा। ये मैं अभी और समझाकर बता दूंगा। पॉइंट नंबर टू में ये लिखता हूं, इफ कॉल ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी है मतलब फायदा हो नहीं रहा है, तो अगर आउट ऑफ द मनी है तो थोड़ा सा शेयर का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो डेल्टा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन की वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना के बराबर। डीपली लिखा है, इफ कॉल ऑप्शन इज डीपली आउट ऑफ द मनी देन डेल्टा ऑफ कॉल क्लोजर टू जीरो। आउट ऑफ द मनी जीरो। ये लैंग्वेज आपके प्रैक्टिस मैनुअल में इसलिए लिखवा रहा हूं, इफ कॉल ऑप्शन इज डीपली इन द मनी। मुझे उम्मीद है इन द मनी वगैरह सब याद होगा आपको भाई, इन द मनी देन डेल्टा ऑफ कॉल क्लोजर टू वन। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है, अब आगे क्या है बेटे? आगे बस समझते जाना सारी बातें। आप लिखोगे पॉइंट नंबर थ्री, शॉर्ट नोट आता है, ये सारी लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर थ्री, याद करो आपने बाइनोमियल किया हुआ है। हाँ सर, मान लो आज शेयर का प्राइस, याद दिलाता हूं मैं, आज शेयर का प्राइस 500 है। ओके, मैंने कहा यार दो पॉसिबल हो सकता है, 550 हो सकता है और शेयर का प्राइस कम कर दो 450 हो सकता है, 100 का डिफरेंस ले लिया। हाँ सर ये याद है, बाइनोमियल ट्री बनाते थे। और आपसे बोल रहा हूँ कि चलो एक्सरसाइज प्राइस कितना, 525। अब मैंने कहा था कि क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है? यस, अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो सी यू, कॉल ऑप्शन का पे ऑफ कितना दिख रहा है? 25 और इसका जीरो। तो
अब सोच के बताओ कि शेयर के प्राइस में कितने का चेंज है, 100 रुपए, और यहां कितने का चेंज है, 25। तो शेयर का प्राइस में 100 रुपए का चेंज है, यहां 25 का चेंज है, तो 25 डिवाइड, ये वैल्यू है एक्चुअल में, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो डेल्टा ऑफ कॉल कितना आ गया, 0.25। अच्छा, ये कॉल ऑप्शन नहीं होता, अगर ये पुट होता, अगर ये पुट होता तो यहां तो एक्सरसाइज ही नहीं होता, लेकिन यहां एक्सरसाइज हो जाता, पे ऑफ देख लेते हैं, और यहां एक्सरसाइज होता तो देखते कितना होता, 525 माइनस 450, तो फिर यहां कितना आ जाता, 75 रुपया। तो यहां डिफरेंस देखो 75, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाता, 0.75। अब मैथमेटिकली ये माइनस में आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कॉल का डेल्टा, कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.25, तो पुट ऑप्शन का कितना आएगा, -0.75। फिर से, अगर कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4, तो पुट ऑप्शन का कितना आएगा, 0.4, तो -0.6। ये आपको समझना पड़ेगा, हालांकि वो माइनस का साइन हम उड़ा देते हैं, पर फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कॉल ऑप्शन का डेल्टा अगर है 0.3, तो पुट ऑप्शन का -0.7। ठीक है, ये हमने ऐसा बाइनोमियल में पढ़ा था सर, बीएसएम में भी पढ़ा था कि यस, बीएसएम में भी पढ़ा था, वही चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, बस ये चीजें आप लिख लो तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो लिखवा रहा हूं पॉइंट नंबर 3, और नंबर 3 में लिखोगे, सपोज सपोज डेल्टा ऑफ कॉल 0.4 एंड डेल्टा ऑफ पुट -0.6, मीन्स, अब इसका मीनिंग चाहिए, तो इसका मीनिंग ना मैं आपको 3 मीनिंग लिख रहा हूं बेटे। पहला मीनिंग, फर्स्ट, अलग अलग बातें अलग अलग तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मीनिंग, पहला मीनिंग, पहला नॉर्मल वाला, इट मींस इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप बाय ₹1, अगर स्टॉक का प्राइस 1 रुपया से बढ़ेगा, देन प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन विल गो अप बाय 40 पैसा, कॉल का प्रीमियम 40 पैसे से बढ़ेगा, 0.4 बोल सकते हैं, एंड प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन, और पुट का क्या हुआ, गिरेगा, विल गो डाउन बाय 60 पैसा। ठीक है सर, एक मीनिंग तो ये हो गई नॉर्मल वाले। सर दूसरी मीनिंग क्या, दूसरे इन बाइनोमियल, बाइनोमियल इसका मतलब क्या होता था, बाइनोमियल में इसका मतलब होता था वन कॉल इज इक्विवेलेंट 2.4 शेयर लॉन्ग। मैंने आपको बताया हूं बायनोमियल में, रिस्क न्यूट्रल में, कि यार एक कॉल खरीदिए या तो 0.4 शेयर खरीद लिए, बात एक ही है, ठीक,
और दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, वन पुट इज इक्विवेलेंट टू 0.6 शेयर्स। शॉर्ट शेयर समझाओ, पुट क्यों खरीदते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा, शॉर्ट सेल कर दो, शॉर्ट सेल में भी हमको क्या कब फायदा होगा, जब शेयर का प्राइस गिरेगा। हाँ दोनों इक्वल है, एक पुट खरीदो या तो 0.6 शेयर शॉर्ट सेल करो, बात एक ही। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने बीएसएम में भी बात किया था, इन ब्लैक सॉल्स मॉडल बीएसएम में, बीएसएम में क्या मतलब होता था, डेल्टा इज इक्वल टू एन D1, ये मैं बात कर चुका हूं तो मैं बात नहीं करूंगा इस मैटर पे। अच्छा और एक मीनिंग किया था हमने हैज रेशो में, हैज रेशो सर किसका था, बाइनोमियल का ही था, हैज रेशो पढ़ा था ना, उसमें डेल्टा का मतलब क्या माना था, हमने कहा था डेल्टा ऑफ कॉल, सपोज डेल्टा ऑफ कॉल कितना ले देते हैं 0.4। इसका मतलब हमने क्या, हम रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच के थ्रू काम कर रहे थे हैज रेशियो का, तो हम वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते थे, राइट वन कॉल एन बाय 0.5 0.4 शेयर। तो इस तरह से डेल्टा है, डेल्टा का मतलब बेसिक मीनिंग ये है, बाइनोमियल में हम ये पढ़ते थे, बीएसएम में ये पढ़ते थे, हैश रेशो में ये पढ़ते थे, तो ये था डेल्टा। अब इसके बाद मैं आपको क्या लिखवाने वाला हूँ, गामा। सर गामा क्या होता है, गामा रो वगैरह ये सब डिस्कस कर रहा हूं, तो डेल्टा में इतना लिख दोगे ना तो सफिशियंट है, आपको अलग से पॉइंट नहीं, वैसे भी बोलेगा ऑप्शन ग्रिक्स तो पांचों पॉइंट लिखना है आपको, पांच में से एक इतना लिख दे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब अगला वाला पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, और वो कर रहे हैं हम लोग डेल्टा हो गया गामा, तो अब दूसरा फैक्टर उठा रहा है गामा, सर गामा क्या होता है बेटे सुनोगे ध्यान से, अगर मैं गामा की बात करूं तो मैं आपको बता रहा था कि डेल्टा में जो चेंज होता है, पहले डेल्टा कितना था 0.4, फिर कितना था 0.4, फिर कितना हो गया 0.6, तो शेयर के प्राइस चेंज होने से डेल्टा में जो चेंज होता है, जिस रेट से चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, गामा। सर ठीक है सर, मतलब गामा डेल्टा ऑफ डेल्टा होगा ऐसा बोल दो, तो भी चल जाएगा, इसको और थोड़ी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं मैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सपोज कॉल ऑप्शन की बात करूं, ये लो ऐसा हम पे ऑफ बनाते थे, याद करो, हाँ सर, और यहां होता था एक्सरसाइज प्राइस। अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की, तो याद करो हम इसके बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी एक्सरसाइज करते थे, इधर मैं नेगेटिव को छोड़ रहा हूं, प्रीमियम को छोड़ दो, मतलब यहां जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करता मेरे लिए तो वैल्यू जीरो, ये प्रीमियम जो गया गया बेटे उसको भूल जाओ, मेरे लिए तो वैल्यू जीरो, ये इंट्रेंसिक वैल्यू। हाँ मेरे लिए ऑप्शन की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब मुझे फायदा होना स्टार्ट होगा, कॉल ऑप्शन है एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होगा तब फायदा, और ये ऐसा पे ऑफ बनता था आपका, इट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जीरो, और जैसे एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर जाएगा तभी तो एक्सरसाइज करोगे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये था मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब होता क्या है, पर एक्चुअल में हमें इतना प्रीमियम नहीं देना पड़ता, हमें तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। सर अच्छा हाँ बेटे, क्यों सर क्यों देना पड़ता बेटा, टाइम वैल्यू, टाइम बाकी है ना, तो ये जो डिफरेंस है ना जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसे टाइम वैल्यू की वजह से दे रहे हो, और ये भी ऐसे होते जाता है। ठीक है, ये आपने बीएसएम में पढ़ा हुआ है, अच्छा सर इट मीन्स ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये टाइम की वजह से देते जाऊंगा, और ये धीरे 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 यहाँ पास में जाते जाता है। ठीक है सर, तो ये जो डिफरेंस है ये कौन सा है, दिस इज टाइम वैल्यू, ये जो है ये क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, प्रीमियम। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज यहां शेयर का प्राइस, मन से बोल रहा हूं, यहां शेयर का प्राइस था 400,
और यहां डेल्टा था 0.4, ठीक है। फिर यहां शेयर का प्राइस आ गया 420 और यहां डेल्टा आ गया 0.6, ठीक है। डेल्टा में भी तो चेंज हो रहा है, और डेल्टा में कितने का चेंज हो गया? डेल्टा में चेंज हो गया 0.02 का। इसका मतलब शेयर का प्राइस 20 रुपए से बढ़ा। डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है शेयर का प्राइस चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। और ये क्या है? इसका नाम है गामा। गामा सर, गामा का मतलब क्या होता है? शेयर की प्राइस चेंज होने से डेल्टा में कितना चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो बस ये आपको समझना है, शेयर के प्राइस चेंज होने से ऑप्शन की वैल्यू में चेंज हो रहा है वो क्या है? डेल्टा। और शेयर का प्राइस चेंज होने से डेल्टा में चेंज जो हो रहा है उसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो सर इसको लिखे क्या? हाँ जी, इसको मैं लिखवा देता हूं, और ये मैंने हटा दिया, तो लिखते हैं गामा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिखेंगे गामा के विषय में। डेल्टा गामा डज नॉट मूव एट सेम रेट, सेम रेट में मूव नहीं होता, हेंस रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन स्टॉक प्राइस इज कॉल्ड गामा, ठीक है। अब सोचो गामा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सपोज शेयर का प्राइस गिरा तो ऑप्शन का वैल्यू क्या आएगा? कम। फिर शेयर का प्राइस गिरा, मैं पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, शेयर का प्राइस गिर, सपोज 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 कॉल ऑप्शन की बात ले लो, फिर कॉल ऑप्शन की बात करना, शेयर का प्राइस बढ़ा तो ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, फिर शेयर का प्राइस बढ़ा फिर ऑप्शन का वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, तो जिस रेट से बढ़ेगा उसको क्या बोल रहा हूं मैं? गामा। अब सपोज पुट ऑप्शन होता, शेयर का प्राइस बढ़ा ऑप्शन का वैल्यू गिरेगा, फिर शेयर का प्राइस और भी बढ़ा तो ऑप्शन का वैल्यू और भी गिरेगा, तो बेटा ये तो और गिर रहा है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, गामा हमेशा पॉजिटिव होता, गामा नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। आगे लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर लिखते हैं 3। सर नाम क्या है? नाम ऐसा ले लो, थीटा। थीटा सर, थीटा क्या है? तो जरा सोचते, थीटा क्या है आखिर? एक बात बताऊं, जैसे मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा 5, और कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 110, और S0 कितना है? 100। अच्छा, तो अभी मैंने प्रीमियम दिया, अच्छा, और इसको मैं इन द मनी लेके चलता हूँ, एक्सरसाइज प्राइस है 100, और S0 मतलब अभी फायदा कितने का? अभी फायदा 10 का, पर मुझसे 15 रुपये मांगा गया। मुझे 15 रुपए क्यों मांगा गया? तो मैंने आपसे बात कर चुका हूं पहले भी, 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, अभी एक्सरसाइज करूंगा तो 10 का फायदा, और 5 रुपए किस चीज का? टाइम वैल्यू। और 5 रुपए मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम अभी 3 महीने बाकी है यार, प्राइस बढ़ जाएगा, और मान लो कुछ चेंज नहीं हो रहा, चले जा रहा टाइम, बीतते जा रहा बीतते जा रहा, ओहो मैं डरा हुआ हूँ, काश ये प्राइस बढ़ जाए, ये बढ़ ही नहीं रहा बढ़ ही नहीं रहा, और बिल्कुल पास पास पहुंच रहा हूँ, एक दोस्त आया, बोलता क्यों परेशान हो? मैंने कहा यार मैंने 15 रुपए देकर फंस गया हूँ। तो वो दोस्त बोल रहा है कि ये जो है ना ऑप्शन मुझे बेच दो। मैंने कहा हाँ सही में? बोले हाँ बेच दो। मैंने कहा 15 रुपए दे दो। बोले 15 नहीं, मैं आपको 13 रुपए दूंगा, बस बात खत्म। बोलता मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं देता। फिर टाइम बीता बीता बीता, फिर
फिर अब 2 दिन बचे, फिर आया, बोले अभी भी सोच लो। मैंने कहा ठीक है भाई, 13 रुपए में ले जाओ। बोलता नहीं, मैं 11 ही दूंगा भाई, क्योंकि पता नहीं। इट मीन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, मेरे ऑप्शन की वैल्यू में क्या होते जाएगा, ऑप्शन की वैल्यू कम होते जाएगी, और जिस रेट से कम होगी उसको क्या बोलते हो आप, थीटा। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैंने आपसे बात किया था। तो थीटा का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड थीटा। थीटा इज नेगेटिव फंक्शन। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन बोलूंगा तो ऑप्शन प्राइस विल डिक्रीज या विल गो डाउन, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और उस रेट को क्या बोलते हैं, थीटा। आगे पॉइंट नंबर 3 हो गया, 4। और 4 हम कर रहे हैं वेगा। सर वेगा क्या चीज होता है? वेगा का मतलब मैंने बोला वॉलेटिलिटी। एक ऑप्शन होल्डर क्या चाहेगा, बहुत वॉलेटिलिटी हो, मतलब ऐसा भगवान करे रिलायंस का शेयर आज खरीदा ना, तो आज से 2-3 बार दिया तो बहुत ज्यादा नीचे जाए ऊपर जाए नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत ज्यादा हो। उसकी वजह से क्या है, वॉलेटिलिटी होगी। तो मैं चाहूंगा अगर जाएगा तो मेरे पास से प्रीमियम ही जाएगा, लेकिन अगर मैं जो चाहता हूं वैसा हो गया तो मैं तो अनलिमिटेड कमाऊंगा ना। तो हमेशा वॉलेटिलिटी चाहेगा कौन, ऑप्शन होल्डर, और प्रीमियम का उस कंडीशन में ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएगा। तो वेगा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वॉलेटिलिटी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वॉलेटिलिटी, नहीं रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस, गलत तो लिख दिया था मैंने, रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी इज कॉल्ड वेगा। प्राइस ऑफ ऑप्शन विल गो अप ड्यू टू इनक्रीज इन वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन के बढ़ने से ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। एंड लास्ट वेगा के अलावा रो, रो का मतलब रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस
विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट ले रहे थे, इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रो। अच्छा अब एक बात बताओ, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी 10% है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार रेट 15% हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है, या तो शेयर खरीद लो, ठीक है शेयर खरीद सकते हो, या तो कॉल ऑप्शन खरीदिए। किसमें पैसा लगेगा, कॉल ऑप्शन खरीदने में कि शेयर खरीदने में? ज्यादा सर शेयर खरीदने में। तो अगर मैं शेयर खरीदूं और रेट मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है शेयर खरीदने में, तो मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं चाहूंगा यार शेयर ही नहीं खरीदूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैं कॉल ऑप्शन ही खरीद लेता हूं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, सोचकर देखना आराम से घर में। दूसरा पुट ऑप्शन, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस कम हो जाएगा तो क्या है, पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं या फिर शॉर्ट सेलिंग कर लेता हूं। शॉर्ट सेलिंग में समझा चुका हूं, ठीक शॉर्ट सेलिंग में जो पैसा आएगा ना हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो सोचो बेटे क्या करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन खरीदने की अपेक्षा शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग से पैसा आएगा हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो पुट ऑप्शन खरीदने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा। और भी बहुत सारे रीजन है मैं आपको बता सकता हूं, पर उतना डिटेल में मुझे नहीं जाना, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है और पुट ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। चाहो तो आप बाइनोमियल वगैरह में जाकर चेंज करके देख लेना, आपको ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी। तो यहां लिख देता हूं, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस देन प्राइस ऑफ कॉल विल गो अप एंड प्राइस ऑफ will go down, that's it। तो ये था हमारा ऑप्शन ग्रिक्स थ्योरी आती है। इसमें ऐसा लगेगा यार थोड़ा सा रिसर्च करके देखते तो आप देख सकते हो, आपके पास टाइम है, बाकी तो डाउट्स पूछ ही सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। तो ये ऑप्शन में था हमारा लास्ट। अगली क्लास से फिर हम लोग फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी अच्छे से तैयारी कर, सब स्पेशल केसेस वगैरह सब करवा रखा हूं, 100% कंप्लीट, ठीक है।